जवान जिस तरीके से कहर मचाए हुए बॉक्स ऑफिस पर, जी हाँ एटली की जवान, यानी कि भैया एटली ने जिस तरीके से साउथ फिल्मों में एक्शन दिया था, जी हाँ साउथ फिल्मों में जितने फिल्मों डायरेक्ट किए हैं सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर है, और उनमें से एक स्टार कॉमन है, थलापति विजय। जी हाँ वही विजय जो एक्शन के लिए माने जाने जाते हैं, रोमांस के लिए जाने जाते हैं, और जब पर्दे पर आते हैं तो भैया 70 mm की स्क्रीन पर सीटियां ही सीटियां बनती है। चाहे टीवी पर उनके डबल्ड फिल्म देख लो भैया, एक्शन ही एक्शन, रोमांस ही रोमांस, सस्पेंस ही सस्पेंस, और एक्टिंग का लाजवाब। और वही एटली का जवान, शाहरुख खान का जवान, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कहर मचाए हुए, जिस तरीके से ताबड़तोड़ पैसा अंधाधुन कमाई हो रहा है, 1000 कलेक्शन यानी कि 1000 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुका है, उससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एटली की डायरेक्शन में कितना बड़ा ताकत है वाकई में ही। लेकिन अब ऐसे में खबर आ रही है कि भैया जवान 2, जी हाँ जवान 2 पे भी काम करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, और इसमें नजर आने वाले हैं एक बार फिर से शाहरुख खान। जाहिर सी बात है बॉलीवुड के यदि जवान है तो भैया उसमें शाहरुख खान ही नजर आएंगे, लेकिन इसमें कैमियो कमबैक कर सकते हैं यूं कहे तो थलापति विजय बॉलीवुड में अगर एंट्री मारते हैं तो शायद। जी हाँ ऐसी खबर निकल के आ रही कि थलापति विजय और शाहरुख खान का कमबैक, यूं कहें कि दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए एटली कुमार काम कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में जी हाँ एटली का नाम बहुत बड़ा है, और उन्होंने जितने भी फिल्म डायरेक्शन किए हैं उसमें से 90% उन्होंने थलापति विजय के साथ काम किया है, और सारी की सारी फिल्में जो है वो सभी बॉक्स ऑफिस पर लेवल पर हाई लेवल की रही, कोई भी फिल्म एवरेज नहीं रहा है। तो जिस तरीके से एटली ने थलापति विजय के साथ कंबाइन करके काम किया है, और एटली अब बॉलीवुड में लॉन्च हो चुके हैं, यूं कहे तो बॉलीवुड की फिल्म बना चुके हैं, और जो नॉर्थ के लोगों का जो मूड होता है वो उस तरीके से पकड़ चुके हैं, और साथ में अगर शाहरुख खान का साथ है, यूं कहें तो बादशाह खान का साथ है, तो जाहिर सी बात है ग्रैंड लेवल की ओपनिंग मिली है। शायद इसी कारण से इतना बड़ा जो कलेक्शन है 1000 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड में चालू हो, मतलब क्रॉस कर चुका है, और उम्मीद किया जा रहा है कि 1500 से 2000 करोड़ भी ये क्रॉस कर सकता है। हालांकि थोड़ा रफ्तार कलेक्शन के मामले में थोड़ा धीमा हो चुका है, लेकिन मूड अभी भी दर्शकों का बना हुआ है, और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्दी ये धीरे धीरे कलेक्शन है जो ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। फिलहाल जो शाहरुख खान की जवान 2 की जो चर्चा हो रही है इसमें थलापति विजय का नाम आ रहा है। क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में ही शाहरुख खान के साथ थलापति विजय, जो कि साउथ इंडस्ट्री से आते, क्या उनका वाकई में ही बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ एंट्री होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कुछ भी सोचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।